किसी भी देश की सेना और वैज्ञानिक उस देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी देश की सेना को मजबूत करने के लिए उस देश के वैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारी सेना देश के सरहदों की रक्षा करती है, लेकिन बिना युद्ध किए सरहदों के पार जाने का काम हमारे देश के वैज्ञानिक करते हैं। आज के आधुनिक युग में युद्ध जीतने के लिए जितने जरूरी हथियार है, उतने ही जरूरी अंतरिक्ष में चक्कर काटने वाले सैटेलाइट भी है। और इसी को देखते हुए हमारे वैज्ञानिक देश की सेना को और ताकतवर बनाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री सैटेलाइट कार्टोसेट 3 को कुछ ही हफ्तों में लॉन्च करने वाली है। भारत की कार्टोसेट 3 की क्षमता का और ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपके हाथ में लगी हुई घड़ी पर टाइम कितना हो रहा है, इसकी तस्वीर खींच के सेना को भेज सकता है। इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अंतरिक्ष से ज़मीन पर 9 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें हाई क्वालिटी में ले सकता है। इस सैटेलाइट के आगे अमेरिका की सबसे ताकतवर सैटेलाइट GOI भी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि अमेरिका की ये मिसाइल 17 इंच तक की ऊंचाई की ही तस्वीरें ले सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 87% हिस्से पर भारत की सैटेलाइट की नज़र है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ चीन के इलाकों पर भी भारत के सैटेलाइट की नज़र होंगी। यह सैटेलाइट पूरी तरह से भारत में निर्मित है, और ऐसे ही सैटेलाइट हासिल करने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ समझौता किया है। हालांकि चीन की पहले से ही 34 मिलिट्री सैटेलाइट एक्टिव मोड पर है, लेकिन चीन की कोई भी सैटेलाइट भारत की कार्टोसेट 3 का मुकाबला नहीं कर सकती। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के बाद भारत के वैज्ञानिकों का यह सबसे बड़ा मिशन होगा, और इसी के साथ साथ भारतीय सेना की नज़र चीन के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान पर भी होंगी।